नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से 7 बड़े वादे किए हैं। गोवा दौरे पर पहुंचे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोवा के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने गोवा की जनता से 7 बड़े वादे किए हैं। आइए सुनवाते हैं केजरीवाल ने वो कौन कौन से 7 बड़े ऐलान किए हैं। कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोवा के अंदर मुफ्त बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट 24 घंटे बिजली दी जाएगी। कई लोगों को यकीन नहीं होता, मैंने देखा जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था कुछ लोगों ने पूछा पैसा कहां से आएगा। यही चीज दिल्ली के भी मीडिया वाले पूछते थे। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमने कहा था हम बिजली मुफ्त करेंगे, मीडिया वाले पूछते थे पैसा कहां से आएगा, पैसा आया। हमने लूट रोकी, हमने ईमानदारी से सरकार चलाई, हमने भ्रष्टाचार रोका, हमने रिश्वतखोरी रोकी, उससे इतना पैसा बचने लगा सबकी बिजली मुफ्त कर दी। गोवा के अंदर जॉब्स के लिए मैं 7 घोषणाएं आज कर रहा हूं, 7 अनाउंसमेंट्स। नंबर 1, मुझे गोवा के बहुत सारे लोगों ने बचाया, बहुत बच्चों ने बताया, यूथ ने बताया कि अगर गोवा में सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी ना किसी एमएलए या मंत्री को दोस्ती चाहिए होती है कि नहीं है? किसी दोस्ती चाहिए होती है, उसका सिफारिश चाहिए होती है, उसके पार्टी वर्कर होना चाहिए या उसका दोस्त रिश्तेदार। बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसे बंद करेंगे, सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, इसको बंद करेंगे। नंबर 2, गोवा के हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। गोवा के हर घर से, हर फैमिली से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। नंबर 3, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नंबर 4, 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। 5वां पॉइंट, अभी कोरोना की वजह से टूरिज्म का बहुत नुकसान हुआ है। टूरिज्म पे डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो बेरोजगार हो गई हैं, उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो जब तक उनका रोजगार रिस्टोर नहीं होता, उनका रोजगार वापस नहीं होता, तब तक उन फैमिलीज को 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। जो माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज हैं, माइंस बंद हो जाने की वजह से वो भी भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। जब तक माइंस चालू नहीं हो जाती और उनका जॉब रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक हर माइनिंग फैमिली को भी 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। कि गोवा को लेके हमने बहुत बड़ा इलेबोरेट प्लान बनाया है। आने वाले टाइम में मैं कई बार आऊंगा आपसे बातचीत करने के लिए। स्कूल्स को लेके नए नए स्कूल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स को लेके नए नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे, विलेज क्लिनिक्स खोलेंगे, सड़कें ठीक करनी है। अभी मैं सड़क से आ रहा था, सड़कें टूटी हुई है कि नहीं हुई है? सड़कें टूटी हुई हैं, उनको ठीक करेंगे। डोर स्टेप डिलीवरी करनी है, वो बहुत सारे काम करने हैं गोवा में, इसके लिए मैन पावर चाहिए। ये सारी मैन पावर गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय करनी है। माइनिंग को शुरू करेंगे, माइनिंग को शुरू करने से कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। टूरिज्म के अंदर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, विल पावर चाहिए, बस पॉलिटिकल विल चाहिए। इन सब चीजों से जॉब्स क्रिएट करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे।
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। आपने अभी से चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। आपने जनता से बड़े बड़े वादे कर लुभाना शुरू किया है। आपके वादे जनता को कितना आकर्षित कर पाते हैं ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।